नमस्कार दोस्तों, मैं सुफले सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल गैलेक्सी क्लासेस पर। पिछले वीडियो में हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे और कोशिका के विषय में काफ़ी कुछ हो भी गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। तो कोशिका, जैसे ही कोई भी कोशिका हो गई है, कोशिका के अंदर क्या क्या होता है ये चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कोशिका के अंग, ठीक है, जिसको कहा जाता है कोशिका अंग, के अंग, ठीक है, यानी कि कोशिका के अंदर क्या क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। अब कोशिका क्या होती है, कोशिका की जो बाहरी वाली झिल्ली होती है इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले होती है सेल मेम्ब्रेन, इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि कोशिका झिल्ली कहा जाता है, यानी कि पूरी कोशिका की ये झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, कोशिका झिल्ली होती है। तो कोशिका झिल्ली क्या काम करती है, जैसे हम लोगों का बैग होता है, तो बैग के अंदर क्या करते हैं, सारी सामान को हम अंदर ही रख लेते हैं, ठीक है, बैग के अंदर ही सारी सामान रख लेते हैं। तो उसी प्रकार से कोशिका की ये झिल्ली होती है, यानी कि इसी के अंदर सारा सामान रखा जाता है, ठीक है, ताकि जो है बिथरे ना, इधर उधर जो है सामान ना भागे, इसीलिए सारा सामान इसी के अंदर रहता है। तो इसका काम, ये झिल्ली रहती है, इसका काम क्या होता है, अंदर के अंगों की सुरक्षा करना, यानी कि अंदर के अंगों की सुरक्षा करना, अंदर के अंग की सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा करना इसका मेन काम रहता है, ठीक है। इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कि पूरी सेल की ये मेम्ब्रेन होती है, यानी कि झिल्ली होती है, पूरी सेल की झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली कहलाती है। अब ये जो बनती है, ठीक है, ये जो बनती है, यहाँ पर ये जो बनती है, इसमें दो परतें होती हैं, दो परत होती हैं, और बीच में क्या होता है, लिपिड भरा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है, तो ये झिल्ली जो बनी होती है प्रोटीन की झिल्ली बनी होती है, किस चीज़ की, प्रोटीन की, यानी कि ऊपर प्रोटीन होता है, ठीक है, और नीचे भी प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, और बीच में जो होते हैं ये, इसमें लिपिड भरा होता है, क्या, लिपिड, लिपिड भरा होता है, लिपिड का मतलब होता है वसा, यानी कि इसमें वसा भरी रहती है, और किनारे किनारे यानी कि प्रोटीन, यानी कि ये प्रोटीन जो होती है ऐसे तय होता है, और बीच में जो है लिपिड भरा होता है, जैसे हम लोग का डबल रोटी होता है, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है। लिपिड की अगर बात करें, फॉस्फोलिपिड होता है, और प्रोटीन की अगर बात करें तो लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसका ये काम होता है अंदर के भागों की सुरक्षा करना, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पे बीच में एक न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक होता है, केंद्रक को बहुत ही, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे केंद्रक को। तो केंद्रक होता है, और उसके बीच में यहाँ पर एक द्रव भरा रहता है, जिसको कहा जाता है कोशिका द्रव्य, ठीक है, क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य। दूसरी चीज क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे ही कोशिका द्रव कहा जाता है। इसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इसलिए कहते हैं, साइटो सेल से बना है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का मतलब सेल का अध्ययन, तो सेल हो गया, यानी कि कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म यानी कि ऐसा प्लाज्म जो सेल के अंदर हो, तो साइटोप्लाज्म हो गया। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि इसके अंदर अभी बहुत कुछ पाया जाएगा, तो उसको द्रव के अंदर रहने दो, द्रव के अंदर जब कोई चीज़ रहती है तो सुरक्षित रहती है, ठीक है, द्रव के अंदर जब कोई चीज़ रहती है तो वो सुरक्षित रहती है, इसीलिए जो है इसके अंदर पूरा का पूरा जो है क्या कहते हैं, द्रव भरा रहता है, द्रव लिक्विड भरा रहता है, ठीक है, जिससे ये सुरक्षित रहती है। तो यानी कि ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली के बीच जो द्रव रहता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बीच बीच में कहीं, इसमें बीच बीच में यहाँ पर जो होते हैं ईआर होते हैं, ईआर, ठीक है, क्या होता है, ईआर कहते हैं इसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है, या हिंदी में कहिए तो अंतः प्रद्रव्य जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक है, जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका कहते हैं, अंतः प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। इसका काम क्या रहता है, इसका काम इंपॉर्टेंट है,
क्या रहता है ये आपको देखना है। देखिए दो ईआर होता है, ईआर आपका दो टाइप का होता है, एक चिकना ईआर होता है, ठीक है, चिकना ईआर रहता है, एक होता है खुरदुरा ईआर, खुरदुरा ईआर, ठीक है, एक चिकना ईआर होता है, एक खुरदुरा ईआर होता है। जो चिकना ईआर होता है, जैसे ये आपकी सेल हो गई, सेल के अंदर ये ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे 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 होता है, चित्र में आप देख सकते हैं, तो ये इस पर जो है क्या कहते हैं, चिकना चिकना ये बिल्कुल रहता है, तो ये चिकना ईआर रहता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम रहता है वसा का संश्लेषण, वसा का संश्लेषण, यानी कि इससे जो है वसा बनती। कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे, देखिए चिकना चिकना किसमें होता है, वसा में चिकना हट होती है, तो याद रहेगा ईआर जो रहता है चिकना वाला रहता है, ईआर जो रहता है चिकना वाला रहता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण संश्लेषण होता है, ठीक है, यानी कि इसमें जो है खुरदरा वाला जो ईआर होता है इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और एक चीज है, जो ये चिकना वाला होता है ये तो होता ही है, ठीक है, इसके बगल में जो खुरदरा वाला होता है इस पर ये दाने जैसी संरचना होती है, दाने जैसी संरचना होती है, खुरदरा वाला ईआर जो होता है तो दाने जैसी संरचना होती है, दाने जैसी रचना, ठीक है, दाने जैसी रचना होती, जिसे कहा जाता है क्या, जिसे कहा जाता है राइबोसोम कहा जाता है इन दानों को, इन दानों को राइबोसोम कहा जाता है, और इन्हीं में प्रोटीन बनता है, इन्हीं में प्रोटीन बनता है, इसीलिए राइबोसोम को ही कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी कि उसी में प्रोटीन का निर्माण होता है, इसीलिए उसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो यहाँ से तीन चीज़ें याद रखेंगे, देखिए जो चिकना ईआर होता है यहाँ पे जो है वसा का संश्लेषण होता है, और जो खुरदरा होता है यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता कहाँ है, दाने जैसी संरचना होती है, जैसे आपके ये त्वचा पर दाने पड़ाते हैं तो देखिए वहाँ पे खुरदुरा टाइप में हो जाता है, तो इस वाले ईआर पर खुरदुरे खुरदुरे से वो दाने पड़े होते हैं जिनको हम राइबोसोम कहते हैं, और वही क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण कराते हैं, इसीलिए राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब इसके बाद ये समझ लीजिए इसका काम क्या होता है, मेनली ये आपका जो है ऐसे 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 ये आपका ईआर हो गया। ईआर ये क्या काम करता है, यहाँ से ये एक हाईवे का काम करता है, हाईवे का, यानी कि यहाँ से अगर किसी भी प्रोटीन या वसा को भेजना होता है तो इसी हाईवे के द्वारा जाते हैं, यानी कि ये जो है एक प्रकार से हाईवे का काम करता है। ईआर जो होता है परिवहन तंत्र, जैसे हाईवे क्या, परिवहन तंत्र का जो है काम करता है, किसका काम करता है, परिवहन तंत्र का काम करता है ये सेल में, ठीक है, जैसे कोई प्रोटीन यहाँ पे बनती है, अब प्रोटीन को इधर उधर ले जाने का काम कौन करता है, क्योंकि ये झिल्ली किससे बनी हुई, प्रोटीन से बनी हुई है, और यहाँ पे डीएनए आरएनए बनता है वो भी प्रोटीन का बनता है, तो ये जो है प्रोटीन को इधर उधर ले जाने का काम करता है, यानी कि जो है परिवहन तंत्र का काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है राइबोसोम, राइबोसोम के विषय में क्या है, राइबोसोम, ठीक है, इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें ये पूछा जाता है राइबोसोम कहाँ बनता है, तो अभी पढ़े हैं चिकना ईआर में बनता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, चिकना खुरदुरा ईआर, यानी कि जो खुरदुरा ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका होती जो खुरदुरी वाली, वहाँ पर जो है राइबोसोम होते हैं, ठीक है, राइबोसोम होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण ही इनका काम होता है, प्रोटीन का संश्लेषण इनका काम होता है, यानी कि प्रोटीन को बनाते हैं, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, तो प्रोटीन का संश्लेषण ही इनका काम हो गया, ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो दाल वगैरह जो खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, यहीं पर होता है, ठीक है।
तो ये जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाते हैं। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज किया था पायलट ने। पायलट कैसे याद रखिएगा, राइबो से राजमा याद रखिएगा, राजमा वही राजमा जो खाया जाता है, राइबो राजमा, राजमा खाया जाता है किस में, खाया जाता है प्लेट में, प्लेट, ठीक है, प्लेट में, प्लेट में, ठीक है। तो ये याद रखिए, राजमा कहाँ खाया जाता है, प्लेट में, राजमा कहाँ खाया जाता है, प्लेट में, ठीक है। तो ये आपका ऐसे राइबोसोम हो जाएगा। उसके बाद है गोल्जी काय, गोल्जी काय, गोल्जी काय क्या होती है, इसको गोल्जी काय कहते हैं। इसकी खोज पूछी जाती है, इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज किया था कैमिलो, कैमिलो ने, ठीक है, कैमिलो ने किया था, कैमिलो गोल्जी पूरा नाम था। एग्जाम में पूछेगा तो कैमिलो क्यों लिखे, गोल्जी नहीं लिखेगा, क्योंकि गोल्जी लिख देगा तो बच्चे भी जो है इसको लगा देंगे, तो इसको कैमिलो ने इसकी खोज किया था गोल्जी काय की, ठीक है। तो ये हो गया कैमिलो, याद कैसे कहेंगे, गले, गाल से याद रखेंगे, गले मिलो, गले मिलो, मिलो से मिलो आ गया, यानी कि गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो, तो कैमिलो हो गया, ठीक है। इसका इसका जो है कार्य क्या रहता है, इसका कार्य ये रहता है, क्या कार्य होता है इसका, कार्य ये इतना क्यों रहता है कि ये लाइसोसोम का निर्माण करता है, लाइसोसोम का निर्माण, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम तथा पेरोक्सीसोम, ठीक है, लाइसोसोम तथा पेरोक्सीसोम का निर्माण करना होता है, ठीक है। कार्य इसका इतना होता है कि लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम का जो है निर्माण करना, ठीक है। बस इतनी चीज गोल्जी काय की याद रखेंगे। ये कहाँ होता है, रेटिकुलम के बगल में, ठीक है, रेटिकुलम से स्पर्श करता हुआ रहता है, ठीक है। गोल्जी काय जो होती है रेटिकुलम से स्पर्श करते हुए रखती है। तो दो चीज़ें इसमें से याद रखेंगे कि कैमिलो ने इसकी खोज किया था, गॉल से गले याद रखेंगे मिलो, और कार इसका है लाइसोसोम। अगला है लाइसोसोम, लाइसोसोम इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज किया था डी डबे ने, डी डबे, डी डबे। लाइसो, लाइसो का मतलब हो गया लाश, लाश याद रखिएगा, लाश, ठीक है, लाइसो से लाश याद रखिएगा। डेड वे, डेड का मतलब डेड, डेड का मतलब डेड हो जाना, यानी कि डेड याद रखिएगा, डेड, डेड का मतलब मर जाना, तो क्या हो जाएगा, लाश हो जाएगा। इसी से सब कुछ इसका याद रखना कार्य, क्या इसके कार्य क्या है इसका, जीवाणु तथा, जैसे किसी सेल के अंदर, किसी सेल के अंदर जीवाणु आ जाए या विषाणु आ जाए, तो ये क्या करते हैं लाइसोसोम, उसको मार देते हैं, यानी कि लाश बना देते हैं, तो लाइसो से लाश बना देते हैं, ठीक है। तो जीवाणु विषाणु, ठीक है, जीवाणु विषाणु, जीवाणु विषाणु को लाश बना देते हैं, लाश बना देते हैं, बना देते हैं यानी कि मार देते हैं, ठीक है, मार देते हैं यानी कि उसको पाचन कर देते हैं, यानी कि जीवाणु विषाणु को लाश बना देते हैं या उसका पाचन कर डालते हैं, ठीक है, मतलब खत्म कर देते हैं। दूसरी चीज, अगर जीवाणु विषाणु ना हुआ तो क्या करेंगे, तो जो बड़े बड़े कण आते हैं या कोई भी चीज़ इनके अंदर ऐसी आती है, खाद्य पदार्थ वगैरह, तो उसका पाचन करते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कण, बड़े बड़े कण या खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ का पाचन करते हैं, पाचन करते हैं, ये काम हो गया। दूसरा काम, यानी कि इनको भी बिल्कुल खा पी के, बिल्कुल पचा के, बिल्कुल स्वाहा कर दिया, ठीक है, ये दो काम हो गए। अगर मान लो जीवाणु आ गए तो उनको खा गए, अगर जीवाणु नहीं आए तो जो है जो खाद्य पदार्थ या कण है उनको खा गए, अगर वो भी नहीं मिला तो क्या खाएंगे, तो ये अपने ही टूटे फूटे अंगों को खा जाते हैं, अपने टूटे फूटे, टूटे फूटे अंगों को, अंगों को खा जाते हैं, यानी कि पाचन कर देते हैं, पाचन करते हैं, टूटे फूटे अंगों को पाचन कर देते हैं, क्योंकि उनका कोई काम नहीं रहता, टूटे फूटे के, जैसे कुछ टूट गया इसमें से, सेल का कोई चीज़ बेकार हो गया, टूट फूट गई, तो जो है क्या कहते हैं, ये खुद ही उसका पाचन कर देते हैं, यानी कि उसको जो है बिल्कुल साफ कर देते हैं, यानी कि ये क्लीनर का भी काम करते हैं, एज अ ये क्लीनर का काम करते हैं, यानी कि सफाई करने का काम करते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, क्लीनर का काम, यानी कि जो सेल होती है उसको साफ कौन रखता है, तो साफ आपका लाइसोसोम रखता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम, तो लाइसो से लगा देंगे लाश, लाइसो से लाश, ठीक है, और राइबो से राजमा था, यहाँ लाइसो से लाश, ठीक है, तो अपने टूटे हुए अंगों को पचा देते, यानी कि उसको भी लाश कर देते, अगर वो भी ना मिला,
ये ना मिला, ये ना मिला, ये ना मिला, ये ना मिला, तो क्या खाएंगे? तो वो स्वयं की सेलें खा डालते, यानी कि सेल को, यानी कि पूरी कोशिका को जो है खा जाते हैं, यानी कि पाचन कर देते हैं, पूरी पाचन कर देते हैं, ठीक है। यानी कि ये याद रखेंगे, अगर इनको कुछ भी ना मिला तो सेल को भी अंत में क्या करेंगे, लास्ट में उसको भी खत्म कर देंगे। ऐसा हम ट्रिक के द्वारा बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो जो है ये क्या करते हैं, वो सेल को, यानी कि सेल जब बहुत दिन की हो जाती है, उसे मरना होता है, तो यही उसको मारने का भी काम करता है, ये मतलब हो गया, ठीक है। सेल को मारने का काम करता है, यानी कि इसे ही सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है, या सुसाइड बैग कहा जाता है, सुसाइड बैग कहा जाता है इसे ही। तो लाइसो से ही सब देखिए मरने वाली चीजें हैं, ठीक है, जैसे आपको याद रहेगा, ठीक है, जिससे आपको ये याद रहेगा। फिर है माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया, ठीक है, माइटोकांड्रिया है। पहले इसको कहा जाता था बायोब्लास्ट, पहले पहले कहा जाता था बायो ब्लास्ट, ठीक है। पहले जब खोजा गया था बायोब्लास्ट, जिसकी खोज किया था अल्टमाइन ने इसकी खोज किया था, और बेंडा ने इसको जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहा, बेंडा ने, ठीक है, बेंडा ने इसको जो है माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, ठीक है, नाम दिया इसको बेंडा ने। तो अगर कहा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो अल्टमैन ने किया था। जबकि इसका नाम किसने रखा था, तो बेंडा ने रखा था, बेंडा ने इसका नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया रखा। इसी खोज जो किया था वो बायोब्लास्ट ने किया था। इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है ऊर्जा का उत्पादन करना, ऊर्जा उत्पादन, ठीक है, ऊर्जा उत्पादित करती, हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा उत्पादित होती है, तो यही माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि सेल में ही ऊर्जा उत्पादित होती है, और कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि रसोई, सेल की रसोई, सेल की रसोई कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। उसके बाद है तारक काय, तारक काय, तारक काय, ठीक है। इसकी जो खोज किया था बावरी ने किया था, बावरी, ठीक है, बावरी, बावरी जैसे कोई लड़की होती है तो पागल टाइप में होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, बावरी, बावरी कहा जाता है ना, जो पागल लड़की होती है बावरी कहा जाता है। तो कोई बावरी लड़की है, यानी कि पागल लड़की, उसने क्या किया, तार, तार पकड़ लिया हाथ में और उसको करंट मार दिया, तो वही कहा तार रख, ठीक है, तार रख बावरी लड़की, तार बावरी, ठीक है। इसका काम क्या रहता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है, कोशिका विभाजन, ये याद रखिएगा, यानी कि कोशिका विभाजन में इसका काम होता है तारकाय का, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई जो जंतुओं की कोशिकाएं होती हैं, जो जंतुओं की कोशिकाएं होती हैं उसमें इतना है। अभी क्या है, उसमें जो है और भी पढ़ना है, क्या कहते हैं, जो सेल होती है, सेल का न्यूक्लियस पढ़ना है, और जो प्लांट वाली सेल होती है, प्लांट वाली सेल के कुछ अन्य चीज़ें होती, उनको भी पढ़ना है। तो उनको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक की इतना आप तैयार करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें